मेरे को कई साल हो गए बिल्कुल, जैसे मैं बीएड बस वही नहीं वो ट्रिम ही कर लेता हूँ पर कभी शेव नहीं करता। मेरे को तो लगा रहा कि बहुत फनी लगूंगा एकदम। पहले क्या करूं, शेव मूछ या दाढ़ी? मेरे को सिर्फ ऑलरेडी अपना फेस फनी लगने लग रहा है। मैं लवलीन। हेलो गाइस, तो मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीलॉग अकेला क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज इन्हें भी हेयर कट कराने जा रहा हूँ और ओलियो के साथ मैंने इंट्रो भी वो पहले रिकॉर्ड कर लिया था, कुटने को नहीं पता। और क्योंकि मैं हेयर कट कटवाने जा रहा हूँ और फिर मैं आज सोच रहा था कि आप लोगों के पहले बहुत कमेंट भी आए थे कि भैया आप मेरे को क्लीन शेव में देखना चाहते हो, और कुटने भी कहती रहती है बार बार कि भैया आप बियर्ड अपने ये नहीं क्यों नहीं शेव करते। तो सिर्फ गाइस मेरे को कई साल हो गए बिल्कुल, जैसे मैं बीएड बस वही नहीं वो ट्रिम ही कर लेता हूँ पर कभी शेव नहीं करता। तो सही में मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है क्योंकि मैं पता नहीं यार, से मेरे को ही नहीं पता कि बिल्कुल फनी लगूंगा एकदम, क्योंकि मेरा पहले भी बेबी फेस था इसलिए जैसे इन्हीं दाढ़ी मूछ रखनी शुरू कर दी थी। पर मैं स्केर्ड भी हूँ, स्केर्ड तो नहीं पर थोड़ा जैसे वो ये रखी भाई अजीब सी फीलिंग होती है कि भाई पहली बार ही नहीं इतने सालों बाद करूँ शेव, पर चलो कर लेता हूँ क्योंकि फिर इनका रिएक्शन देखेंगे तो इनका रिएक्शन कैसा रहेगा सारी फैमिली का। और मोस्टली तो मैं जैसे लियोन का रिएक्शन, क्योंकि लियोन तो बेबी था उसने तो देखा नहीं मेरे को बिना बियर्ड के, और सभी का भी रिएक्शन कोटरनी का, सारे बच्चों का, राहुल का, भाभी का, तो उनका देखते हैं कैसा रहेगा। तो सही गाइस मेरे को तो लग रहा है कि मैं बहुत फनी लगूंगा एकदम। तो चलो पहले जाते हैं अपना हेयर कट कराने। नाई की दुकान पे और अपना कराते हैं हेयर कट। तो गाइस बाल कटा के आ गया हूँ वापस, और नॉर्मली तो मैं वहाँ दाढ़ी उसे नाई से जैसे थोड़ी सेट करवा के आता था, पर आज फिर मैंने सेट नहीं करवाई, वहाँ घर जाके फिर मगा शेव करनी है तो फिर मगा क्यों काम कही वहाँ सेट करवाई। और ये कोटरी ने ये वाला ट्रिमर मेरे को गिफ्ट भी दिया था, तो मैं ट्रिमर ओपन करता हूँ। ये ठीक है गाइस, छोटा सा पोर्टेबल ट्रिमर है तो अपना वो ये कि भी बैटरी से भी क्या कहते हैं इन पावर से भी कम होता है और इसमें बैटरी भी तो 4 भी होता है। नो बैड ना ना, यहाँ पे नहीं कोडनी और सारे जैसे वो तो बच्चे जैसे नीचे अपना है और उनको तो वही नॉर्मल लग रहा है कि भी हेयर कट करा के आया तो भी अपना क्या है भाई अपना ना दो रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड और करते हैं अपना डाडी शेव। सही है गाइस, मैं तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इनकी रिएक्शन देखने के लिए और अपना फेस खुद ही देखने के लिए। ओ पहले जो ये सामान है टूथपेस्ट वगैरह साइड में रख दूँ ना, तो इनमें हर जगह बाल ही बाल हो जाएंगे और फिर कोटने ऊपर आके फिर मेरा दिमाग खराब करेगी कि वो फिर कहेगी कि अभी तो मैंने सिंक साफ करी थी सारे के बाल ही बाल कर दिए। करते इसको प्लग इन। तो लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम, और करते हैं काम स्टार्ट। तो कल पहले क्या करूं, शेव मूछ या दाढ़ी? तो चलो करते हैं फाइनली। सही बात है, मेरे को सिर्फ ऑलरेडी अपना फेस पर ही लगने लग रहा है। आप ये कमेंट कर दो कि भाई खाली यानी मूछ में कैसा लगा। मैंने पहली बार आज तक जिंदगी में कभी मूछ तो नहीं रखी। आई थिंक
यानी इट्स नॉट लुकिंग बैड, इतनी गंदी भी लग रही, खाली मुझ तो ठीक ही लग रही है। मुझ को भी करते हैं बाय। गाइस तो ये देख लो नया लवलीन बिल्कुल फ्रेश बिना डाढ़ी मूछ के, उसमें मैं गाइस बेर को भी इतना कितना अजीब अजीब सा फील हो रहा है बिल्कुल, कि जैसे उतर ये फेस से एक जैसे वेट सा भी उतर गया, और उसमें बिल्कुल मेरे को तो अपना फेस पर ऐसा लग रहा, लग ही रहा कि मैं लवलीन हूँ बिना डाढ़ी मूछ के। कौन है तू, कौन है? सुनो ऐसा लग रहा है कि भाई किसी और से बात कर रहा हूँ, शीशे में खड़ा हुई, शीशे में मैं नहीं और कोई मेरे सामने। जी सब ही है। तो ठीक है मैं अभी इसको ये नहीं अपना फिक्स करता हूँ अच्छी तरह, अपना इससे अभी शेवर है इससे थोड़ा सा टचअप करते हैं। और इसे करके वही शेव वाली फीलिंग ही आ जाती है बस बिना ब्लेड के। मैं तो ऑलमोस्ट फिनिश हूँ, और अपने जल्दी से पहले सिंक वगैरह साफ कर दूँ नहा धो के, और फिर देखते हैं कि सबकी रिएक्शन यानी सारी फैमिली मेंबर्स की रिएक्शन कैसी रहेगी। तो मैं तो गाइस से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लियोन की रिएक्शन के लिए, कि वो बेबी है, उसने कभी देखा ही नहीं मेरे को बिना डाढ़ी मूछ के, तो पता नहीं वो मेरे को पहचानेगा भी या नहीं। नहाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं फ्रेश न्यू मी, फ्रेश लवली। ये तो गाइस ऐसा लगा जैसे किसी वो अंडे का नहीं छिलका छेल, अंडे का ऊपर का छिलका छोल देते हैं तो अंदर से निकलता है, तो सभी आपको बिल्कुल बच्चा सा लग रहा हूँ मेरे को ही देखिए ऐसे आ रही है। जब मैं सिमे में नहा के निकला और मैं जैसे शावर में से जब टॉवल लेने के लिए शीशे में अपना देखे मैं एक बार तो डर के ऐसे पीछे के पका ये कौन है। सही है गाइस। तो गाइस आपसे मैं कमेंट करके बताओ तो आपको ये नहीं मैं डाढ़ी मूछ में अच्छा लगता हूँ या बिना डाढ़ी मूछ के, ये नहीं कैसा लगा, और ये बताओ सिमे मेरे को तो लग रहा है कि इसे बच्चा सा लग रहा हूँ कि भाई 19-20 साल का, ज़्यादा तो नहीं होगी। I'm really excited. सबसे पहले मैं कोठरी को बुलाता हूँ, नीचे है तो उसको आवाज मारता हूँ, और जब वो ऊपर आएगी तो उसको देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा। बहुत एक्साइटेड सही हो रहा कोनी। हाँ कम इनसाइड, जस्ट कम क्विक, रेडी? व्हाट द हेल।